नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। जुलाई 2019 से मेरा मासिक बिरनादरी का भुगतान जिला शिक्षा अधीक्षक नहीं कर रहे। आपसे अनुरोध है कि मानवता को और नैतिकता को यानी ध्यान में रखते हुए जो है सो यानी शीघ्र जो है सो हमारा वेतन भुगतान आदेश निर्गत किया जाए। गुमला जिला के दुरदुरिया के रहने वाले सत्यनारायण सिंह, वरीय शिक्षक राजकीय मध्य विद्यालय गढ़ टोली गुमला, ने ये बताया है कि जुलाई 2019 से उनकी तनख्वाह नहीं आ रही। इस संबंध में सत्यनारायण ने उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा, जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला शिक्षा पदाधिकारी सुरेंद्र पांडे, उप विकास आयुक्त गुमला और माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार रांची से अपने वेतन भुगतान के लिए अनुरोध किया था। लेकिन अब तक उनका वेतन नहीं मिला है उन्हें, जबकि रांची सचिवालय द्वारा पत्रांक संख्या 610-251 दिनांक 21 अक्टूबर 2021 में स्पष्ट आदेश पारित किया गया है कि उपरोक्त मामलों में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए आवेदक समेत मुख्यमंत्री सचिवालय को यथाशीघ्र अवगत किया जाए। लेकिन गुमला के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा किसी प्रकार का नियम नहीं फॉलो किया जा रहा है, जिससे सत्यनारायण सिंह, वरिष्ठ शिक्षक, ने कहा है कि मैं आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थक गया हूं, जिसका एकमात्र कारण गुमला के पदाधिकारी हैं। मैंने उपायुक्त महोदय गुमला को जनता दरबार में 9 आवेदन दिया और उनका जनता दरबार से 9 पत्र निकली वेतन भुगतान के संबंध में। उसके बाद उप विकास आयुक्त गुमला को मैंने भी आवेदन दिया, वहां से 5 पत्र निर्गत किया गया वेतन भुगतान के लिए कार्रवाई करने का, लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला ने वेतन भुगतान आदेश निर्गत नहीं की है। उसके बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ गया, उनके आवास में भी गया और मुख्यमंत्री सचिवालय में भी गया, दोनों जगह आवेदन दिया। तो निजी सचिव का उनका एक पत्र निकला है कि वहां जांच करके इनका वेतन भुगतान किया जाए। और उसके बाद फिर मैंने मुख्यमंत्री को सचिवालय में जाकर 3 आवेदन वहां दिया, जिसमें अंतिम आवेदन जो है झारखंड सरकार का है, उसमें निर्देश दिया गया है कि अभी तक मुख्यमंत्री कार्यालय से, सचिवालय से जितना भी पत्र निर्गत हुई है उस आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक ने कोई कार्रवाई से अवगत नहीं कराई है। अतः अनुरोध किया जाता है कि उक्त पत्रों पर अपेक्षित कार्रवाई करते ही आवेदक से मुख्यमंत्री सचिवालय को आधार शीघ्र अवगत कराने की कृपा की जाए वेतन भुगतान के संबंध में। लेकिन जिला शिक्षा अधीक्षक ने अभी तक वेतन भुगतान आदेश निर्गत नहीं किया है। तो मैंने पुनः उपायुक्त महोदय गुमला को 11/11/21 को मुख्यमंत्री सचिवालय से निर्गत पत्र के आलोक में दंडात्म जुलाई 2019 से अभी तक मासिक वेतनादि भुगतान के लिए त्वरित दंडात्मक कार्रवाई करने का अनुरोध किया हूं। लेकिन अभी तक जो है सो मेरा वेतन भुगतान आदेश जिला शिक्षा अधीक्षक गुमला नहीं निकाले। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।